अब ट्रेन में सफर के दौरान डायबिटीज मरीजों से लेकर बच्चों को मिलेगी ये खास सुविधा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारतीय रेलवे हमारे देश में यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। छोटे वर्ग के लोग हों या बड़े वर्ग के, सभी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। रेलवे का जाल हमारे देश के सुदूर से सुदूर इलाके में भी फैला हुआ है। सफर लंबी हो या छोटी, हर रोज करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। करोड़ों यात्रियों के विश्वास को देखते हुए रेलवे भी अपने यात्रियों का खास ख्याल रखती है। लंबे सफर में ट्रेन हमें भोजन की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। कई बार ट्रेन में अच्छे क्वालिटी का भोजन नहीं मिलने की भी यात्रियों की शिकायत रहती है, इसलिए लोग अपने घरों से भी सफर के दौरान भोजन ले जाते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC ट्रेन में अक्सर यात्रियों के लिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी का खाना देने की कोशिश करता है। अब इसी कड़ी में IRCTC ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे लाखों यात्रियों को सीधे फायदा होगा। इसमें सबसे पहला है गुणवत्तापूर्ण भोजन के साथ स्वस्थ भोजन देने की IRCTC की कोशिश। दरअसल यात्रियों को उनके अनुसार सही भोजन मिले, IRCTC इसकी कोशिश कर रहा है। इसके तहत IRCTC अपने मेनू में हेल्दी फूड को ऐड कर रहा है, जिससे ट्रेन से सफर के दौरान बच्चे हो या बुजुर्ग या किसी तरह के दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से ग्रसित मरीज, इन सभी को फायदा होगा। इसके मुताबिक अब IRCTC अपने स्पेशल मेनू को भी डिज़ाइन कर रहा है ताकि सफ़र के दौरान ऐसे लोगों के लिए सही और हेल्दी भोजन की चिंता ना करनी पड़े और गर्मा गर्म खाना ट्रेन के सफ़र में उन्हें आसानी से मिल सके। यहाँ तक कि किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोग जो अपने भोजन में लहसुन प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं या किसी तरह के त्यौहार में भोजन में इन चीज़ों को शामिल करने से बचते हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा IRCTC अपने मेनू में लोकल फूड भी ऐड करेगा जिससे स्थानीय भोजन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। स्पेशल मेनू के तहत यात्रियों को मिलेगी कस्टमाइज थाली। इन स्पेशल मेनू के तहत यात्रियों को कस्टमाइज थाली की सुविधा भी दी जाएगी जिससे वो अपनी सुविधा अनुसार भोजन मंगवा सकेंगे। कई लोगों को IRCTC के इस स्पेशल मेनू के बारे में सुनकर ही महंगा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस स्पेशल मेनू को आपके बजट में ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। साथ ही क्वालिटी से भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। IRCTC का मेनू मेल और एक्सप्रेस दोनों ही ट्रेनों में पहले जैसा ही रहने वाला है, जिसमें जनता भोजन के मुताबिक यात्रियों को पूरी, सब्जी, अचार, चाय दिए जाएंगे। हालांकि इस मेनू में अलग यदि आप भोजन ऑर्डर करते हैं तो इसका प्राइस IRCTC अपने स्तर से तय करेगा। IRCTC के इस फैसले से कई मरीजों को ट्रेन से यात्रा के दौरान राहत मिलने वाली है, खासकर डायबिटीज यात्रियों को, क्योंकि दिन प्रतिदिन डायबिटीज यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह है बढ़ते शहरीकरण, जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों का कम होना और सबसे जरूरी खान पान पर ध्यान नहीं देना, जिस वजह से डायबिटीज के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के समय में डायबिटीज होना आम हो गया है। इसी को देखते हुए ट्रेन में अब मरीजों को भी ध्यान में रखकर खाना दिया जाएगा, यानी डायबिटीज मरीजों को शुगर फ्री भोजन दिया जाएगा। उम्मीद है कि IRCTC की इस कोशिश से यात्रियों द्वारा ट्रेन में भोजन को लेकर की जाने वाली शिकायत दूर हो और वे अच्छे भोजन के साथ ट्रेन में अपने लंबे सफ़र का आनंद ले सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ट्रेन का भोजन कैसा लगता है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।